कई दिनों के बाद फाइनली आप लोगों के लिए टाइम निकाला हूँ। सोचा फिर से कुछ बातचीत कर ली जाए आप लोगों के साथ में। हेलो अब्रार, हेलो कुमुद, हेलो आतिफ खान, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप लोग? जल्द से जल्द आप लोग लिंक शेयर करो, फिर करेंगे बातचीत। हाँ सब, अभी शुरू करेंगे बातचीत। क्या फेक न्यूज़ है, क्या सही है? अभी कुछ देर के बाद क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे आप लोगों का। जल्द से जल्द आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए और लोगों को, और ज़्यादा लोग जुड़ जाएं ताकि और ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके, है ना? जल्दी जल्दी आप लोग लिंक शेयर कीजिए। वालेकुम अस्सलाम आजम। अभी अबरार रुक जाइए, कुछ देर में अभी लेंगे क्वेश्चंस। वालेकुम अस्सलाम फकरुद्दीन, फिजिक्स ट्यूटोरियल, वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं आप लोग बताइए, कौन कहाँ से जुड़े हैं? कमेंट देख रहा हूँ मैं सबका। कौन कहाँ से जुड़े हुए हैं? ओके आजा, असजद बिहार से। बिहार में ठंडी कैसी है असजद? ओके आतिफ बिहार से। क्रिकेट वर्ल्ड जम्मू एंड कश्मीर, आजम फ्रॉम बिहार। सबा कुमुद अलीगढ़ से। ओके मैं भी अलीगढ़ का प्रोडक्ट रहा हूँ, मेरा प्लस टू अलीगढ़ से ही है। बुलबुल सफ़ी वालेकुम अस्सलाम। ओके ज़्यादातर लोग बिहार से जुड़े हैं। चलिए कुछ लोग यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से हैं, बाकी कुछ बिहार से हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग महताब, वालेकुम अस्सलाम। ओके वेलकम, वेलकम ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम उरमान। ओके जला, ओके जलाल, जलाल नाम होता है या जलाल होता है वैसे? एक बार सो ओके ओके जलाल। ओके सबा आपका क्वेश्चन लेते हैं। किस कोर्स के एडमिशन फी की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि जामिया के सारे कोर्सेज में अलग अलग फी लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो किस कोर्स की बात कर रहे हैं आप? कोर्स भी स्पेसिफाई कर दे ताकि कुछ अंदाजा हो जाए। चलिए आप लोग अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अपना क्वेश्चन बताना शुरू कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू कर सकते हैं। जी बुलबुल सैफी, बीएड के लिए जैसे इससे पहले भी लाइव आया था पिछले वीक, तो उसमें भी लगभग फॉर्म के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। जो बात पता चल रही है या फिर जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो नेक्स्ट मंथ यानी फेब में ही फॉर्म आ जाएगा जामिया के सारे कोर्सेज का, ठीक है? ओके जलाल आपको 12th का एंट्रेंस देना है। जी अबरार, सबका फॉर्म एक ही टाइम पे ही आएगा, यानी जामिया का जैसे ही प्रोस्पेक्टस लॉन्च होगा, प्रोस्पेक्टस लॉन्च होने के साथ ही सारे कोर्सेज का जो डेट है वो सामने आ जाएगा, है ना? नहीं आतिफ, एमसीए का सीयूईटी में नहीं जाएगा दोस्त, चांस कम है बिल्कुल। बाकी सीयूईटी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मंडे या ट्यूसडे को पूरा इंटरव्यू आ रहा है, इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है,
बट अभी शूट करना बाकी है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द लेकर आऊँ। वालेकुम अस्सलाम शाहिद हुसैन जी। बीबीए बीकॉम का सेपरेट जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी, सीयूईटी में नहीं जाएगी, सिर्फ इकोनॉमिक्स सीयूईटी में चली गई है या फिर चला गया है, अभी तक उसके अलावा कोई चांसेस इस तरह का नहीं है। ओके सवा गुड, आपको यूपीएससी करना है, दैट्स ग्रेट। ओके शिमरोज खान, वालेकुम अस्सलाम भाई। ओके ओके, एमबीए की तैयारी शुरू कर चुके हैं, वेरी गुड। टाइम कम है, अगर एमबीए सच में करना चाह रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बस कुछ ही महीना बचा हुआ आपके पास। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिएगा सिमरोज, मैं आपको ये मशवरा देना चाह रहा हूँ तरफ से। जी बुलबुल, आप क्या पूछ रहे हैं? सॉरी सर, बीएड नहीं सर, डीएलएड की बात कर रहे हैं। हाँ फॉर्म सेम ही आएगा, हाँ एग्ज़ाम का डेट अलग अलग होगा, बाकी फॉर्म सबका एक ही साथ आएगा, एक ही डेट में आएगा, डेट अलग अलग होगा। कुछ कोर्सेज होते हैं जिसका अलग होता है, यानी फॉर्म फिल करने का डेट अलग होता है, बाकी एग्जाम का डेट वो स्केड्यूल होगा, वो तो जैसे स्केड्यूल होगा फिर हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। जी फखरुद्दीन, बीए के लिए फीस की बात कर रहे हैं, बीए में सब्जेक्ट बताइए। जामिया में सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फीस होता है। सबा आपका आंसर नहीं दिया, फिर से टाइप कर दें प्लीज, कि आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चंस आ रहे, मैं सबका देख रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है। आपको यूपीएससी मेरे को करना है, मैं तैयारी कर रही, इसका पीजी फीस बता दीजिए। पीजी क्या मतलब, पेइंग गेस्ट की बात कर रहे हैं पीजी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाली पीजी की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे वो चीज़ क्लियर कर दीजिए। पीजी का यहाँ पे दो फुल फॉर्म हो सकता है, दो मीनिंग हो सकता है। फैब में फॉर्म आ जाएगा दोस्त, बीएड का, डीएलएड का, फेब्रवरी में, ठीक है? उसके बाद एग्जाम का डेट आएगा, उसके हिसाब से पता चल जाएगा आपका कब तक डेट है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। पढ़कर शाहिद, बीबी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए आप सिलेबस देख लें, क्या क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ बनाइए, ठीक है? और जीके एंड जीएस में रीजनिंग का भी क्वेश्चन होता है, इसमें रीजनिंग का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बीएलएलबी के लिए हमजा, अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं किया है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तैयारी के बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ लोग कोचिंग वगैरह लेते हैं, बाकी हम लोगों का बैच स्टार्ट होने वाला करंट अफेयर्स का, अगर आप ज्वाइन करना चाहें बीआरएलबी के लिए, बीबीए बीकॉम के लिए, या फिर जितने भी जामिया के कोर्सेज हैं, यूजी एंड पीजी, सारे कोर्सेज के लिए ऑलमोस्ट कोर्सेज स्टार्ट होने जा रहा है। करंट अफेयर्स के लिए लगभग सारे कोर्सेज में वेटेज अच्छा खासा होता है, यानी 20 to 30 क्वेश्चंस होते हैं सारे एग्जाम में, तो ये अच्छा खासा वेटेज को कवर करता है 100 मार्क्स वाले में से। तो आप इसकी तैयारी अगर आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ कर सकते हो आप। हाँ देख, कॉलेज सारे अच्छा होता है शाहिद, आप हमदर्द से भी ट्राई कर सकते हो, आप जहां मिल जाए आप एडमिशन ले लीजिए। ये अभी बीबी की तैयारी के बारे में बता रहा था, इंट्रोवर्ट वेब्स क्या नाम है आपका। हाँ गोल्डन बीएससी मैथ्स की तैयारी, अगर आप कोचिंग लेना चाह रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, हम लोग कोचिंग करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, बाकी खुद से अगर तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उसमें मैथ का जो वेटेज ज्यादा होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का होता है, जीएस जीके का होता है, ज्यादा आपको मैथ में फोकस करना है, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए जैसे पिछली वीडियो में मैं बताया था, आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके कांटेक्ट कर लीजिए। हेलो स्टार, ये कौन सी यूपीएससी जामिया पीजी की बात कर रहे हैं सबा? माफी चाहूंगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, आप प्लीज व्हाट्सएप में मैसेज कर लें, डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर देख लीजिए एक बार, मैं नंबर ऐसे टैप कर दे रहा हूँ यहाँ पे। मैंने नंबर यहाँ पे शेयर कर दिया, नंबर जिन लोगों को लग रहा है जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, अगर व्हाट्सएप में कर लीजिए, कॉल पे बात करने के बाद कुछ
प्रॉब्लम मैं आप लोगों को सॉल्व कर पाऊँ। नंबर मैंने शेयर कर दिया, देख लें आप लोग। ओके स्टार, आपको जाम में एक एंट्रेंस एग्जाम देना, अच्छी बात है, तैयारी शुरू कर दीजिए। नहीं, मैथ्स सीयूईटी में नहीं गया है, गोल्डन मैथ्स सीयूईटी में नहीं गया है और चांसेस भी कम है जाने के, तो आप जो जामिया का पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करें, ज़्यादा बेटर होगा। हाँ बिल्कुल, डीएस सिंह ड्रॉपर एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। आप एडमिशन के टाइम पे बस गैपिंग सर्टिफिकेट लगेगा आपको, एक वो दे देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं मिला है आतिफ आपको, आप फॉर्म फिल करते समय अवेटेड में डाल दीजिएगा, आपको समय मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा फॉर्म तो फाइनल आपका मार्कशीट है वो देने के लिए, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए जामिया के जिन लोगों की बीबीए की तैयारी करनी है, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस जामिया की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए एक बार आप, www.jmicoe.in, वहां पर जाने के बाद सिलेबस देखिए, उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ, जामिया के में सीयूईटी में सिर्फ 10 कोर्सेज हैं, जामिया के सिर्फ 10 कोर्सेज सीयूईटी में है, और उस 10 का लिस्ट पिछले हफ्ते बताया था, एक बार वेबसाइट पे देख लो, उसमें से है हिस्ट्री है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, टर्किश है, संस्कृत है, ये सारे कोर्सेज हैं सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 ईयर ड्रॉपर हैं, 3 ईयर ड्रॉपर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम सब कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके, करंट अफेयर का बैच जो है वो फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, डेमो सेशन हो चुका है, आपको अगर डेमो सेशन चाहिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, डेमो वीडियो देख लीजिएगा फिर आपको समझ में आएगा। हाँ गोल्डन आपको बताया मैंने, जो बीएससी मैथमेटिक्स का तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसका सेक्शन भी मैंने बताया अभी, जो मैथ का पोर्शन आपको ज़्यादा फोकस करना है, फिर हाँ उसके अलग अलग चैप्टर्स हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। बाकी अगर आपको लग रहा है आप क्लासेस लेना चाह रहे हैं, कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, हम लोग बीएससी मैथ्स की तैयारी करवा रहे हैं। देखिए किसी कोर्स के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है, अभी जैसे बीएलएलबी के लिए बुक पूछ रहे हैं आप ना, कोई स्पेशल बुक नहीं है इसके लिए, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग बुक है, आपका जो लीगल का सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है, उसके लिए अलग बुक हो सकता है आपको, जीएस एंड जीके के लिए अलग बुक होगा आपका, उसी तरीके से आप करंट अफेयर्स के लिए अलग बुक देखेंगे, है ना, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए। और इसी बहुत लेट हो चुके हैं बीएलएलबी वाले, अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी कुछ लोग शफीक गाइड से भी हेल्प लेते हैं, अगर आप चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं। एमसीक्यू सना फिरदोस, एमसीक्यू में होता है बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम का क्वेश्चन, जामिया एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू है, सीयूईटी में नहीं है वो। 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, उसके बाद एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, सिलेबस एक बार जामिया की वेबसाइट पर आप देख लीजिए। हाँ सीयूईटी में जामिया है बिल्कुल। बीआरबी की तैयारी करनी है, आजम अकबर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा आप। बीपीटी के एग्जाम जून के एंड में चांस है, जून के एंड में बीपीटी के एग्जाम होने का चांस है। बीबीए के लिए करंट अफेयर्स आप देखिए सही से, और उसके बाद मैथ और रीजनिंग का सेक्शन देखिए सही से, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सेक्शन है। हाँ ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती है, जिनको कोई डाउट है एक बार आप कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप में प्लीज। नहीं अभी मोहम्मद मोहम्मद रिफास अभी पीजी का नहीं गया है, मतलब लिस्ट नहीं आया है, अनाउंसमेंट भी नहीं आया हुआ है जो कौन कौन सा पीजी का जाएगा या फिर नहीं जाएगा इस बारे में, तो अभी जब तक नहीं गया तब तक आपको वेट करना है। हिंदी मीडियम नहीं, बाईलिंगुअल होता है, क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में होता है ना, तो पेपर इंग्लिश में हो और आप हिंदी में पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए बाईलिंगुअल होना बहुत जरूरी है, यानी समझाया आपको हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण होगा समझाने में, बाकी जो नोट्स होगा आपका वो सारा कुछ इंग्लिश में होगा। बीएलएलबी के एग्जाम अभी तो आपका फरवरी में फॉर्म आएगा पहली बात, उसके बाद जून में एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं कह सकते जब तक प्रोस्पेक्टस ना आ जाए, तो जामिया प्रोस्पेक्टस के लिए इंतजार कीजिए आप लोग, है ना।
देखिए बुलबुल सैफी लास्ट ईयर से आप कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, ठीक है? बिकॉज अभी कोरोना की वजह से जो पूरा सेशन लेट चल रहा था ना, तो जो रियल टाइम है उस रियल टाइम में लाने की कोशिश हो रही है अभी, तो आहिस्ता आहिस्ता पहले लाया जा रहा है, ठीक है? तो हो सकता है 30 जून को फिर से डेट आ जाए, पॉसिबल है, उससे डिले भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, उससे पहले आ जाए ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसको स्केड्यूल करना है और सारे कोर्सेज जामिया के एक साथ में उनको कराना है, तो उस हिसाब से डेट फिक्स करेंगे, किसी का टकराए नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो दो दो पेपर का एग्जाम देंगे, बाय द वे दोनों का टकरा गया तो दो एक साथ दे नहीं सकता है वो, है ना? इसलिए दोनों का अलग अलग होगा, तो उस हिसाब से वो लोग करेंगे ताकि एक दूसरे का टकराए ना उसमें। करंट अफेयर्स अलग अलग कोर्स के हिसाब से देखें, कुछ लोग द हिंदू को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग मैगजीन को प्रेफर करते हैं, है ना? बाकी अगर आप चाहें करंट अफेयर्स के बैच के लिए प्रॉपर जामिया के लिए और एमयू के लिए, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यस इंट्रोवर्ट बीए, हाँ बीबीए की प्रिपरेशन हमारे यहाँ चल रही है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। जी कुमुद आपका क्वेश्चन क्या है? नहीं बीए पॉलिटिकल साइंस सीयूटी में नहीं गया है, ठीक है? यूजी पीजी दोनों, चाहे बीए पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस हो या फिर एमए पॉलिटिकल साइंस हो, अभी तक सीयूईटी में नहीं गया है, तो अभी तक खुशी की खबर है, अगर चला जाए तो फिर दुखद होगा, वैसे चांस कम है जाने का, होता तो अभी तक चला गया होता, तो जो पैटर्न को आप लोग फॉलो कर जिस तरह तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहे उसको। हाँ जामिया में 10 कोर्सेज में सीयूईटी के थ्रू होता है एडमिशन हो रहा है, एंट्रेंस हो रहा है, उसमें अगर बड़े कोर्स की बात करें तो हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर आप छोड़ दो, आप सीयूईटी का पेपर देखो, बिकॉज हिंदी जो है सीयूईटी में चला गया, जामिया हिंदी सीयूईटी में चला गया, तो आप वहां से देख लो। नहीं जामिया जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं है, आपका हाँ कोटा होता है जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए, तो फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन होगा, एक सेक्शन होगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आप जम्मू एंड कश्मीर वाले हैं, तो आपको यस कर देना, तो उसमें आपको 5% एक्स्ट्रा मिलता है, ये बेनिफिट हो जाएगा आपका। जी सीयूईटी में जामिया के 10 कोर्सेज हैं, सिर्फ 10 कोर्सेज, वो भी यूजी के, पीजी के एक भी कोर्स अभी नहीं गया है, और बाकी कोर्सेज जाने के चांसेस भी कम है, हालांकि यूजीसी की तरफ से प्रेशर है जामिया पर कि और कोर्सेज को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट देखिए अभी कश्मकश में है, असमंजस में सब कुछ चल रहा है। नहीं सिप्तैन बीपीटी की तैयारी हम लोग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि बीपीटी का सिलेबस काफी वास्ट है, आप खुद से तैयारी कीजिए और एक बार सिलेबस देख लीजिएगा साइट पे जाके जरूर आप। वालेकुम अस्सलाम महवश फातिमा, कैसे हैं आप? ये बीपीटी देखे शहरीन, बीपीटी की जब बात कर रहे हैं बुक की ना, उसके प्रॉपर कोई बुक के आइडिया नहीं है मुझे, एक बार व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा, मैं पता करके बताने की कोशिश करूंगा। मेरे कोचिंग की फीस वगैरह जानने के लिए व्हाट्सएप में एक बार मैसेज कर लें, वहां पे सारी बातचीत कर लीजिए आप, टर्म एंड कंडीशन समझ लीजिए, कैसे क्या क्या जाता है वो सारा कुछ समझ लीजिए आप, फिर फीस की बात कीजिएगा। सीयूईटी का पेपर मई में होगा। देखिए हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री सीयूईटी में चला गया है, और इस बार की अगर हम बात करें तो 100% गया था सीयूईटी का, तो अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है अगर सीयूईटी में आप जा रहे हैं तो, अदरवाइज आपका जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो बहुत तगड़े वाले होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करके आते हैं, आपको पछाड़ देंगे, है ना? यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न बहुत सिंपल होता है, क्वेश्चन ईजी होता है, तो अगर सही से मेहनत करेंगे तो आराम से आप निकाल सकते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ आतिफ देखिए, अगर आपका फाइनल मार्कशीट नहीं आया, आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन का या फिर मास्टर का, तो रिजल्ट अवेटेड में डाल दीजिएगा, उसके बाद एडमिशन के टाइम पे आपको फाइनल मार्कशीट सबमिट करने के लिए टाइम मिल जाएगा, लगभग 1 महीना 2 महीने का टाइम मिलता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से तैयारी शुरू कर दीजिए।
बीएससी केमिस्ट्री का सिलेबस एक बार आप देख लें। बाकी व्हाट्सएप में जो लोग मैसेज कर रहे हैं, नोटिफिकेशन मेरे पास आ रहा है, बट अभी रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा मैं, बाद में करूंगा आप लोगों को। हाँ, बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम का एक ही एग्जाम होता है सना, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आपका मार्क्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आपको सब्जेक्ट मिलता है। असुर भी सीयूईटी का फॉर्म अनाउंस हो गया है, एक बार जो वेबसाइट है उस पर जाकर देख लीजिएगा आप, www.nta.samarth.cuet.com। एक बार जाकर एनटीए के साइट पे भी जाकर देख लीजिएगा आप, ठीक है, पता चल जाएगा वहां पे आपको। और हाँ, बीबीए सीयूईटी में नहीं गया है, आप लोगों को बता चुका हूँ, कई बार बताऊँ। और बीए फ्रेंच कामरान सीयूईटी में चला गया है दोस्त, तो सीयूईटी में जनरल टेस्ट देखिए आप, जनरल टेस्ट के का जो सिलेबस है वो देखिए, उसमें आपका फ्रेंच है, स्पेनिश है एंड टर्किश है, जामिया से तीन लैंग्वेज है। आप संस्कृत को भी गिन सकते हैं एज ए लैंग्वेज, वो भी जनरल टेस्ट के थ्रू ही हो रहा है, और जनरल टेस्ट में सारी चीजें पूछी जा रही है, तो वहां से एक बार आप देख लें आप। कोरियन लैंग्वेज सीयूईटी में नहीं गया है अभी, कोरियन लैंग्वेज जामिया एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू चल रहा है, और उसकी तैयारी अगर आप करना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कोरियन की क्लासेस हमारी चल रही है। तो सीयूईटी की तैयारी देखिए बहुत सारे लोग करवाते भी हैं, और हम लोगों ने अभी तक बैच स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाह रहे सिर्फ आप लोगों से, मतलब तू भी थोड़ा बहुत पैसा ले रहे हैं वो ले लें और सही से ना पढ़ा पाए, पूरा पैटर्न अभी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद अगर पॉसिबल हो, हम टीम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, देन विल स्टार्ट। हाँ, जामिया का एंट्रेंस एग्जाम दिल्ली में ही आना पड़ेगा आपको, दिल्ली में सेंटर पड़ता है राही कपूर, ठीक है, जामिया का आपको देना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने कमेंट किया अभी कुछ देर पहले, देख लीजिए, फिर किसी वीडियो के सेक्शन में जाके देख लीजिए। जी महवेश, आपका व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप आप देख लीजिए जाके, वहाँ पे वीडियो के सेक्शन में, क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आरिफा सुल्तान, आप क्यों दुआ कर रहे हैं जो सारी कोर्सेज सीयूटी में चले जाए, बच्चे तो डर रहे हैं सीयूटी से, बाकी आप कर रहे हैं तो चलिए, आपके पीछे क्या मंशा है दुआ करने का आप जाने। हाँ, जामिया हमदर्द प्रेफर कर सकते हो आप, नॉट ए बिग डील। बिल्कुल आतिफ, वेलकम, आप आओ कैंपस में, बिल्कुल इंटरव्यू लूंगा आपका। हाँ बिल्कुल, 100% आपको इंटरव्यू लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से आओ, हम इंटरव्यू लेंगे लेंगे आपका, बिल्कुल आप इंटरव्यू दोगे तो। जी इलियास, वालेकुम अस्सलाम। अरानिया, वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, कोरियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, नूर स्टेटस। क्या है आपका क्वेश्चन, क्या था, सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। नंबर जिनको नहीं मिला, एक बार मैं फिर से नंबर कमेंट कर दे रहा हूं। नंबर मैंने कमेंट कर लिया, एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से। वालेकुम असलाम जैद, सबका इंटरव्यू लूंगा, जो जो जामिया आ जाएंगे, जिसका एडमिशन हो जाएगा, सबका इंटरव्यू लूंगा, ठीक है, डोंट वरी, आप लोग इसके लिए टेंशन मत ले, आप आइए, वेलकम है सब लोगों का। और बीएड का भी इंटरव्यू लेकर मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, बीएड स्पेशल का, जो आपका क्वेश्चन किस तरह का होता है, आप लोग इंतजार करें बिल्कुल। जी इलियास, कोरियन लैंग्वेज अभी सीयूईटी में नहीं गया है, जामिया एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही हो रहा है। गैपिंग सर्टिफिकेट आरिफा, घबराने की कोई बात नहीं है, 5 मिनट का काम है गैपिंग सर्टिफिकेट बनवाने का, पहले आप एंट्रेंस क्लियर कर लो, फिर वो सारा प्रोसेस हम आपको बता देंगे, वो बताने के लिए हम हैं बैठे हुए आपके पास, आपके हेल्प करने के लिए, आपका भाई, आपका दोस्त, जो समझते हैं आप लोग हैं यहाँ पे। नहीं, बीएड भी सीयूईटी में नहीं गया है कोमल। बुलबुल आप मैसेज कर लें प्लीज, मैं आपको क्वेश्चन शायद समझ नहीं पा रहा हूँ, व्हाट्सएप में मैसेज कर लें प्लीज। जामिया में सारे कोर्सेज हैं सुरभि, अब जामिया की वेबसाइट पे जाकर चेक कर लें कितने सारे कोर्सेज हैं, मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं कि आप मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते उस कोर्स के बारे में। बीएड सीयूईटी में नहीं गया है, जामिया का फॉर्म फेब्रुअरी में आ रहा है।
देखिए, जामिया का क्वेश्चन पेपर शायद फ्री आपको ना मिल पाए, कहीं कहीं से मिल जा रहा है। अब सिंपली गूगल से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे कुछ पैसे लेते हैं वो लोग, 7 रुपये या फिर 10 रुपये पर सेट लेते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा रकम नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, आप आराम से वहां से ले सकते हो। थैंक यू सो मच। जिन लोगों को मेरे चैनल से फायदा हो रहा है, मेरा मेन मोटिव भी है कि आप लोगों को सही गाइडेंस दे सकूं, आप लोगों को सही रास्ता दे सकूं, आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ ला सकूं, एडमिशन में हेल्प कर सकूं। थैंक यू अरानिया, थैंक यू। एमबीए सीयूटी में नहीं गया दोस्त। एमबीए जामिया एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो रहा है, मकसद इंडियन जो भी है जामिया एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। जामिया की कोचिंग कहाँ से करें, किस चीज की कोचिंग की बात कर रहे हैं आप माहिर? आप शाहिद जामिया के सिर्फ 10 कोर्सेज सीयूटी में गया है दोस्त, सिर्फ 10 कोर्सेज, ज्यादा नहीं गया है। थैंक यू सो मच आरिफा सुल्ताना। आमिर, बी जामिया में बीबीए के एग्जाम जून में उम्मीद रखिए आप होने का, ठीक है। पीयूष शर्मा, क्या क्वेश्चन है आपका? ओके के फॉर्म कब आएगा? क्या ओके का फॉर्म भाई? बीए पॉलिटिकल साइंस सीयूटी में नहीं गया दोस्त, बाकी आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो कुछ लोग शफीक गाइड को प्रेफर करते हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी आप तैयारी कर सकते हो, बाकी कोचिंग क्लासेस अगर आप लेना है तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। अभी एजुकेशन फ्लाई हमारी जो करंट अफेयर्स की बैच है, इसका टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट से बातचीत करेंगे मशवरा करने के बाद, जिस वक्त स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है, तब करेंगे हम लोग। तो एक बार आप व्हाट्सएप में बात कर लो मेरे से, तो मैं देखता हूँ। नहीं दोस्त, बीबीए बीबीए बीकॉम सीयूटी में आने के चांसेस 0. कुछ% का है, ज्यादा का नहीं है। जी, जामिया के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बारे में अभी बताया आपको, ठीक है, वहां से एक बार देख लें आप। जामिया का पेपर फ्री में नहीं मिलता दोस्त, कुछ लोग हैं जो वेबसाइट में अपलोड करते हैं तो बहुत कम पैसे लेते हैं वो लोग, 10 रुपये पर सेट का लेगा आई थिंक, 10 रुपये पर सेट, और आपका 3-4 साल का आप लोगे तो 4 साल का लोग 40 रुपये, ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप आराम से ले सकते हो। बुलबुल, सबको नंबर मिल रहा है, आपको नंबर नहीं मिल रहा है, वाई? मैंने 2 बार किया, पे काम करें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करें एक बार जाके, या फिर किसी दूसरे वीडियो का सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन को समराइज शॉर्ट लिस्ट कीजिए, बाकी लोग कांटेक्ट, जिन लोगों का रिस्पांस नहीं कर पा रहा हूँ आप लोग व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर लें, क्योंकि जो हमारा टाइम है लाइव का वो अबाउट टू फिनिश है, आधा घंटा का सेशन था, आधा घंटा अबाउट टू फिनिश होने वाला है। इन जनरल मैं एक बार बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें बिना क्वेश्चन देखे हुए, जामिया के जितने भी यूजी एंड पीजी के कोर्सेज हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 कोर्सेज सीयूटी में चला गया है, बाकी के कोर्सेज अभी नहीं गया है। जाएगा या नहीं जाएगा इस बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, बात चल रही है, चांसेस कम है जाने के, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें कौन कौन सा कोर्स गया है, तो आप इस तरह गिन सकते हैं, हिस्ट्री है आपका, उसके बाद इकोनॉमिक्स है आपका, फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, हिंदी है, उसके बाद संस्कृत है, टर्किश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, ठीक है। इसके अलावा अगर छूट गया तो मैं ढूंढ के बताऊंगा आप लोगों को। बाकी इन जनरल जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फरवरी में फॉर्म आने के चांसेस हैं, उम्मीद है फरवरी के शुरू में ही आ जाए, या फिर मिड ऑफ द फरवरी, या फिर लास्ट लास्ट तो 100% आ ही जाएगा। उसके बाद जैसे ही फॉर्म आएगा, जामिया का प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, प्रोस्पेक्टस जैसे आएगा मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा उसके ऊपर, ठीक है, उसमें घबराने की बात नहीं है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल आपको जामी इन्फॉर्मेशन नई उड़ान के नाम से आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो चैनल मिल जाएगा, ठीक है,
वहाँ पे चीजें सारी लगभग मिल जाएंगी आपको। उसके अलावा जिन लोग जो लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, एक नंबर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को, लिख लीजिए 9821673284, ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल, ठीक है। उम्मीद करूंगा आज का ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। बाकी जिन लोगों का क्वेश्चन नहीं ले पाया मैं, उन लोगों को सॉरी, आप लोग व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैं जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, डट कर कीजिए तैयारी, और मतलब गोल फिक्स करके तैयारी शुरू कीजिए। ऐसा नहीं जो हाँ आज कर रहे हैं कल छोड़ रहे हैं परसों कर रहे हैं, इस तरह नहीं। पूरा एक जो रेगुलरिटी है उसको मेंटेन कीजिए, फिर लास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे जो स्मार्ट पॉइंट क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कम समय में किस तरीके से ज्यादा क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज हम लास्ट में आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, ठंडी से बचते रहिए और तैयारी कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।